Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut Rajya Sabha Sadasya, Kantak Kardam ki gas agency karmchari se, kareeb 3.5 lakh rupay lootne wale 3 badmashon ko, police ne giraftar kar liya hai. Tino badmashon se, 2.5 lakh rupay bhi baramad ho gaye hain. गिरफ्तार बदमाशों के नाम विशाल लक्ष्मणपुरी, पंकज ग्राम घाट प्रतापुर व निशांत निवासी ग्राम बाफर थाना जानी शामिल हैं। मेरठ एसपी सिटी विनीत भटनागर ने आज तीनों बदमाशों को मीडिया के सामने पेश करते हुए यह जानकारी दी। देखिए, ये 8 फरवरी की शाम की बात है। कुछ बदमाशों ने थाना मेडिकल क्षेत्र में एक गैस एजेंसी से पैसों की लूट करी थी। गैस एजेंसी का कर्मचारी बैंक पर पैसे जमा कराने के लिए जा रहा था, उसकी स्कूटी रोक करके उसको आतंकित करके इन्होंने जो है पैसे का बैग छीन लिया था। इसमें पुलिस जो है काफ़ी गहराई से लगी हुई थी, क्योंकि उस दिन सारा फोर्स रवाना होना था, ब्रीफिंग होनी थी, फोर्स की भी कमी थी, उसी का फ़ायदा उठा के ये इन लोगों ने कार्रवाई करी थी। लेकिन हमारी सर्विलांस की टीम ने, ख़ास तौर से सर्विलांस का इसमें योगदान है, और थाना मेडिकल की पुलिस ने, इन दोनों ने मिलकर के 5 दिन के भीतर ही इस घटना को वर्कआउट कर दिया है। 2,51,000 रुपये इसमें बरामद हुए हैं, दो तमंचे, एक मोटरसाइकिल, और 3 अभियुक्त गिरफ्तार है। जो चौथा अभियुक्त इस घटना में शामिल था उसके बारे में भी जानकारी हो गई है, उसको भी पकड़ने के लिए हमारी टीम्स गई हुई हैं। घटना में ज़ाहिर तौर पर 2 व्यक्ति ने बैग छीना तो 2 ही व्यक्ति दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन बाद में जब CCTV की पड़ताल करी गई और बाकी और सारी जो है साक्ष्यों का संकलन किया गया तो जानकारी हुई कि इस एजेंसी पे ही कुछ वर्ष पूर्व काम करने वाले विशाल नाम के व्यक्ति को जानकारी थी, उसी ने मुखबरी करा के ये घटना कारित करी है और घटना के समय मौजूद भी था। तो ये 3 लोग घटना में शामिल जो थे वो इस समय गिरफ्तार हो चुके हैं, चौथे की गिरफ्तारी किसी भी क्षण हो सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।